नमस्कार, मैं चंचल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के दरबार साहब की बिल्कुल सामने मार्केट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल किसानों की तरफ से बंद का, भारत बंद का ऐलान दिया गया था, जिसके चलते कल ये सारी मार्केटें बंद थी। कल पूरा भारत बंद था, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से सिख भी मौजूद हैं। तो यहाँ हम इनसे बातचीत करेंगे कि कल भारत बंद से इनको कितना नुकसान हुआ है, क्या ये किसान मोर्चे पर कहना चाहेंगे, किसानों की तरफ से जो संघर्ष किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसानों के हक में है। किसानों ने बोला था भी भारत बंद, हमने बंद कर दिया, सारी मार्केट अमृतसर बंद था, हमने बंद कर दिया। तो सर, आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या सरकार आपका ऐसा कहना मानेगी? देखो, ये भारत सरकार की मर्जी है जी, जो अपना जैसे किसान कहते हैं वैसे हम करेंगे, जरूर करेंगे जी। किसान कहते हैं भारत बंद, हमने भारत बंद। आपको इससे कहीं ना कहीं तो नुकसान होता होगा? नुकसान होता है जी, हम सबके साथ हैं जी, क्या करेंगे जब सब मार्केट बंद है, हम खुली रख के क्या करेंगे जी? जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूद मार्केट में जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि वो किसानों के साथ हैं। अगर किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान दिया गया तो इनकी तरफ से उन्हें पूरा समर्थन किया जा रहा है। अगर उन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पर और भी मौजूद मार्केट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कल मार्केट बंद रही है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ होगा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को या अपनी जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? असीं ते जी सारे किसानां दे नाल ही आ जी। किसान ने क्या हड़ताल है, उन्होंने अभी हड़ताल कर दी ने। नुकसान तो सारे होंगे ने, चलो दुकाना बंद ने, कारोबार बंद हो गए ने, पर फिर भी असी किसानों के नाल खड़े रहेंगे। सर, मान लीजिए अगर किसान हफ्ते के लिए भी कह दे हफ्ता भारत बंद रहे या दो दिन और रहे या तीन दिन, तो क्या करेंगे सर आप? बंद करेंगे जी, क्योंकि सानू रोटी किसानों ने देनी ने, कणक उन्होंने बीजनी ने, मोदी सरकार ने देनी। जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूद जितने भी दुकानदार हैं उन सभी का यही कहना है कि अगर किसानों की तरफ से तीन चार दिन, हफ्ते और भी भारत बंद का ऐलान किया जाए तो उनकी तरफ से उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा और किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसानों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हें अन्न मिलता है। तो यहाँ पर और भी कई दुकानें हैं, यहाँ सूटों की भी दुकानें हैं। तो यहाँ पर हम सीधा आपको इस दुकान की ओर ले चलेंगे, कपड़ों की दुकान है यहाँ पर अमृतसर में, फुल सूट काफ़ी अमृतसर के यहाँ मशहूर है। तो यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। कल पूरा भारत बंद रहा है सर, तो कल सभी दुकानें बंद थी, तो क्या आप किसानों के समर्थन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि किसानों का ऐसा करने से सरकार उनका कहा मान लेगी? किसानों का तो हम तो यही कहेंगे सरकार को मानना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कई 5-6 महीनों से किसान ने धरने पर बैठे हुए हैं, तो बिजनेस का तो बहुत डाउन हुआ, उसी के कारण जब तक ये उनका सरकार मानेगी नहीं इनकी मांगे, तो उस वक्त तो बिजनेस तो डाउनफॉल जाई जाएगा। तो हमें तो यही सरकार से अपील है कि जल्दी से इनका हल करें, किसानों की मांगे माने, जो सी शर्तें उन्होंने रखी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किसानों का ये कहा मानेगी, क्योंकि बहुत महीने हो चुके हैं लेकिन अब तक सरकार ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है? ये तो सरकार को अब चाहिए ना कि जब एक ही बात पर किसान भी अड़े हुए हैं कि हमने रद्द कराने हैं बिल, तो सरकार का अभी तक कोई भी उनकी समर्थन नहीं हुआ। हमसे वही अपील करेंगे बार बार कि जब तक वो सरकार उनके एक दूसरे की शर्तें नहीं मानेंगी तो कोई फैसला नहीं निकलेगा। तो सर, कहीं ना कहीं आपने कल भारत बंद रहा, आपकी दुकान भी बंद रही होगी, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो गया ही होगा। हाँ, ऑटोमेटिकली आपको मालूम शॉप बंद होने से तो बिजनेस तो बंद है, रहता ही है। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से किसानों को समर्थन? हम तो समर्थन तो आपको मालूम है, अगर किसानों के साथ नहीं होंगे तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई तो फिर कितनी बढ़ जाएगी, आटा वगैरह तो आपको मालूम है जो अब कितने भी किलो मिल रहा है, बाद में इसका 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, वो तो सरकार को फिर मायना। अब तो अच्छी मांगे के लिए वो बैठे हैं किसान भी, उनका भी बैठना है, हम तो यही कहेंगे ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ बड़ी बड़ी दुकानों के जो मालिक हैं उन सभी का भी यही कहना है कि वो किसानों के पूरे हक में है, चाहे उनकी दुकानें बंद रहें चाहे खुली रहें, लेकिन उनकी तरफ से इन किसानों को पूरा समर्थन दिया जाएगा। ये इस वक्त हम मौजूद है अमृतसर के दरबार साहब की मार्केट में, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल ये पूरी मार्केट सभी बंद थी क्योंकि यहाँ सभी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और भी मौजूद दुकानदार हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि कल के मुद्दे पर वो क्या कहना चाहेंगे। कल पूरा भारत बंद था, तो यहाँ पर दुकान के मालिक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर, कल के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, कल भारत बंद था?
अच्छा बेटा, बात यह है कि जो बंद था ना, हम उसका भी समर्थन करते हैं, क्यों, अगर किसान अगर खुशहाल होगा तो हमारी मार्केट में ग्राहक आएगा कपड़ा लेने के लिए। अगर कुछ किसान के पास पैसे नहीं होंगे, अगर उसको बेचारा उधर बैठा हुआ दुकानों में काम भी नहीं हमारे, तो इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं हम। तो कैप्टन सरकार की तरफ से आज एक ऐलान किया गया है कि हर शनिवार को जो कोरोना के चलते जो भी लोग मरे थे इस महामारी से, तो उनके लिए एक घंटे का मौन रखा जाएगा, हर शनिवार को एक घंटे बंद रहेगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनका प्रैक्टिकल बात है, अगर वो कहेंगे तो सभी के साथ हम चलेंगे, हम भी कर देंगे बेटे, वो तो देर इज़ अ प्रैक्टिकल बात है उनकी ना, हमारे मुख्यमंत्री जितने हैं तो हमको उनका थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना बेटे। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये किसानी जो संघर्ष है इतना, आज इसको महीने कितने महीने हो चुके हैं, तो और कितने महीने तक ये जारी रहेगा? बड़े इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि जब तक मोदी जी इनकी मांगे नहीं मानेंगे तो ये उठने वाले नहीं वहाँ से, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो दैट इज़ द पॉसिबल है कि बिल्कुल 100% सही है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूद जितने भी दुकानदार हैं उन सभी का ये कहना है कि किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और अब सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष अब जा रहा है, जिसके चलते आम जनता भी बहुत प्रभावित होती है, दुकानदार प्रभावित होते हैं, छोटे जो दुकानदार हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इन बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले भी जैसे पहले सबसे पहले कोरोना आया, कोरोना के कारण बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, और अब जो किसानी संघर्ष चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये हमने आपको तस्वीरें और लोगों जो कल भारत बन रहा है उनके सभी के क्या कहना है लोगों का, वो आपने देखा ही है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि होटल के मालिकों को और आम जनता को, जो यहाँ का छोटा व्यापारी है और बड़ा व्यापारी है, उन्हें कहीं ना कहीं घाटा जा रहा है, लेकिन पंजाब में सभी ने किसानों को समर्थन दिया है, सभी उन्हीं के हक में हैं। उन सभी लोगों का यही कहना है कि अगर उन्हें और भी 2-3 दिन या हफ्ते भर दुकानें बंद करनी पड़े तो वो दुकानें बंद भी करेंगे, और वो किसानों के पूरे हक में हैं। लाइव भारत है वहाँ खबर है जहाँ, तो देखते रहिए लाइव भारत। कैमरामैन मनोज भगत के साथ चंचल भारद्वाज की रिपोर्ट, अमृतसर। हुन घबराउण दी लोड़ नहीं, हर बीमारी दा इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटिया द्वारा साइल हेल्थ केयर अमृतसर ते। बेओलाद शारीरिक ताकत, IBS स्पर्म काउंटिंग, मैन पावर, हर बीमारी का पक्का ते सफल इलाज साहिल हेल्थ केयर आयुर्वेदिक सेंटर। लेकिन अज भी साडे भारत दे विच आयुर्वेद नूं बहुत मान्यता दित्ती जांदी है, बहुत महत्व है। आदमी दे विच जिहड़ी अंदरूनी कमजोरी आती है वह कई रोगों करके आती है, जिहड़े औलाद पैदा नहीं कर सकते उन्हां नूं शुक्राणुओं की कमी। मिलो रोजाना 10 to 6 साहिल हेल्थ केयर सेंटर, 140 रोड, अमृतसर, संडे छुट्टी।